तो जो कॉपीइंग ऑफ डीएनए है, कॉपीइंग ऑफ डीएनए, डीएनए और डीएनए कॉपीइंग, ये बहुत ही अहम होता है, इम्पोर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन, इम्पोर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन, इम्पोर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन। तो हमें ये दोनों जो है, कॉपीइंग ऑफ डीएनए, ये एक्चुअली सेल साइकिल का पार्ट है, सेल, इट इज द पार्ट ऑफ सेल साइकिल, पार्ट ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल मैंने आपको बताया है, माइटोसिस और मियासिस होता है, माइटोसिस एंड मियासिस होता है। दोनों में एक अहम फर्क बताऊंगा, पहले हम माइटोसिस डिस्कस करेंगे। अगर ये एक सेल है, माइटोसिस में क्या होता है, अगर ये एक सेल है और इसके अंदर दो क्रोमोसोम्स हैं, लाइक दिस, ये क्रोमोसोम नंबर 1 एंड क्रोमोसोम नंबर 2, मैं माइटोसिस की बात कर रहा हूँ। माइटोसिस को हम अगर डिफाइन करेंगे, इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब है इक्वल डिवीजन। अगर किसी ए के पास प्रॉपर्टी जो है वो 100% है, तो दूसरी जो है उसको भी 100% होनी चाहिए। अगर इसमें फॉर एग्जाम्पल ए को वन हाउस है या होम है, इसको भी एक होम होना चाहिए। तो दैट मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जितना भी मटेरियल अंदर है सबको इक्वल हिस्सा चाहिए। अब यहाँ पे माइटोसिस जो है, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन मानते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल जो है, इसमें दो क्रोमोसोम्स हैं, या डीएनए जो है ये दो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में मौजूद है। अब इस सेल को डिवीजन करना है, इक्वेशनल डिवीजन, डिवीजन करना है, डिवीजन। तो लेकिन डिवीजन कौन सा है, माइटोसिस, इक्वल डिवीजन। तो ये सेल पहले पहले क्या करती है, ये इस डीएनए को, ये डीएनए को कॉपी करती है, डीएनए कॉपीइंग, ये इन क्रोमोसोम को कॉपी करती है। दैट मीन्स इन्होंने अपनी अपनी कॉपी की, ये वाली और ये वाली, इसने कॉपी की। तो जब ये डीएनए ने कॉपी की या क्रोमोसोम्स ने कॉपीइंग की, डुप्लीकेट डीएनए बना दिया और ए के, तो अब ये सेल जो है, इस सेल में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसमें दो क्रोमोसोम्स ऐसे हैं, लाइक दिस, लाइक दिस। तो इस सेल साइकिल में अब ऐसे फाइबर्स, दैट इज दीज आर नोन एज स्पिंडल फाइबर्स, पोल से स्टार्ट होते हैं और इन सेंट्रोमियर्स से जुड़ जाते हैं, लाइक दिस, और इनको पुल अपार्ट करते हैं, दैट मीन्स इनको, या इनको अलग करते हैं, बीच में से इनको अलग करते हैं, और रिजल्ट क्या आता है, लाइक यहाँ पे ये वाला क्रोमोसोम जो है, इसकी कॉपी मैं ऐसे बनाऊँ बताऊँगा, ओरिजिनल कॉपी ये है शेडेड वाली, इसकी ओरिजिनल कॉपी भी शेडेड वाली है। तो शेडेड वाली ने अपनी अपनी दूसरी दूसरी कॉपी बना दी। अब ये दोनों कॉपी, तो चार क्रोमोसोम यहाँ पे आ गए, क्योंकि जब ये आपस में बीच में से अलग हो गए, लाइक दिस, तो ये है शेडेड कॉपी और ये है लाइट शेडेड कॉपी, ये है शेडेड कॉपी, ये अलग हो गए, ये है लाइट कॉपी। तो चार क्रोमोसोम्स आ गए। अब ये सेल डिवाइड करेगी दो सेल्स में, एक सेल ये वाली, एक सेल ये वाली, एक सेल में ये और ये जाएगा दोनों, लाइक दिस, लाइक दिस, और दूसरे में ये और ये जाएंगे। तो क्योंकि ये कॉपी है, कार्बन कॉपी है, इनमें कोई फर्क नहीं है, दो लिटिल बिट वेरिएशन आती है गलती की वजह से, म्यूटेशंस की वजह से, तो ये दो, दैट मीन्स एक सेल से दो एक जैसे सेल्स बन गए, जिनमें कोई फर्क नहीं है, जिनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ माइटोसिस जो है, यूजुअली ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आती है, और ग्रोथ ऑफ द बॉडी या ग्रोथ ऑफ द जो है ऑर्गेनिज्म, उसमें आता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है इसी माइटोसिस से, क्योंकि इसमें जो है डीएनए कॉपीइंग जो है, या इक्वा सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स विद वेरी लेस वेरिएशन प्रेजेंट
प्रोड्यूस हो जाती हैं। दूसरा क्या है, मियासिस है। मियासिस जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अहम है, इट इज़ यूज्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अहम है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अहम है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल दो क्रोमोजोम है लाइक दिस, तो इस मियोसिस की डेफिनेशन को अगर हम देखेंगे, मियोसिस इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन का मतलब क्या है, हाफ करना, किसी भी चीज़ को हाफ करना है। तो अगर यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स हैं, तो जब ये एक सेल से दो सेल्स और बनेंगे, तो उनमें इनका डीएनए जो है या क्रोमोसोम जो है वो हाफ होगा। तो यहाँ पे इक्वेशनल मतलब सिमिलर है लाइक दिस, इसमें भी दो, इसमें भी दो, लेकिन यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन दैट मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसमें पहले क्या आता है, ये मियोसिस जो है ये दो किस्म, ये दो स्टेप्स में होती है। एक होता है मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, दूसरा होता है मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड। और मियोसिस फर्स्ट जो है इसमें क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट में, एम फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में डायरेक्टली यही दो क्रोमोसोम्स जो हैं यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अराइज होते हैं लाइक दिस, और इस क्रोमोसोम को इसकी तरफ और इस क्रोमोसोम को इस साइड में ले जाते हैं। तो दैट मीन्स इस सेल में एक क्रोमोसोम यहाँ और एक क्रोमोसोम यहाँ आ गया, तो रिजल्ट क्या हुआ, ये दो सेल्स बन गए। फिर साइटोप्लाज्म अलग हो जाते हैं, इस सेल में ये वाला क्रोमोसोम, इस सेल में ये वाला क्रोमोसोम, तो रिजल्ट क्या हुआ, पेरेंट में टू क्रोमोसोम्स थे, लेकिन अब जो ये जो डॉटर सेल्स आ गए हैं उनमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है। तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। और यहाँ तक है मियोसिस फर्स्ट, एम फर्स्ट, ये मियोसिस फर्स्ट है इस, क्योंकि मियोसिस का ये पहला स्टेप है। मियोसिस का दूसरा स्टेप क्या होता है, दैट इज नोन एज मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड जो है वो बराबर उसी तरह हो जाता है जैसे माइटोसिस होता है। तो मियोसिस सेकंड में क्या होता है, इसी सेल को, यही जो सेल है इसको क्रोमोसोम जो है ये कॉपी करता है एक और पार्ट लाइक दिस, जिस तरह मियोसिस माइटोसिस में हुआ था, इस ये सेल भी कॉपी करती है इस अपनी क्रोमोसोम को। उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स आ जाते हैं, रोपस आ जाते हैं, और इस क्रोमोसोम को बीच में ब्रेक करते हैं लाइक दिस। जब बीच में ब्रेक हो गए, तो ये सेल के अंदर एक क्रोमोसोम यहाँ, एक क्रोमोसोम यहाँ, इस सेल के अंदर भी एक क्रोमोसोम यहाँ और एक क्रोमोसोम यहाँ। तो उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है लाइक दिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो ये वाली सेल यहाँ बन जाती है विद वन क्रोमोसोम, ये वाली सेल यहाँ बन जाती है विद वन क्रोमोसोम, ये वाली सेल यहाँ विद वन क्रोमोसोम, ये वाली सेल यहाँ विद वन क्रोमोसोम, लेकिन पेरेंट में सिर्फ दो ही थे, और इसके जो डॉटर जनरेशन है वो चार सेल्स बन गए, एक सेल से चार सेल्स बन गए, यहाँ सिर्फ एक सेल से दो सेल्स बन गए। दूसरी डिफरेंस क्या है, एक पहली वाली सेल में दो क्रोमोसोम थे और इसके डॉटर सेल्स में सिर्फ एक ही, दैट मीन्स हाफ, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन। तो ये रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अहम है, टू कंटिन्यू द प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जो हमारे पास क्रोमोसोम्स नंबर है वो तादाद को बराबर रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए मियोसिस जिम्मेदार है। मियोसिस अगर नहीं होती तो कंटिन्यूसली क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाता है। तो मियोसिस जो है ये हमारे अंदर या हमारे सेल्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रखती है थ्रू आउट द जनरेशंस। और ये दो साइकल्स बहुत ही अहम है जब हम इसके बाद मेंडेलियन जो है स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे, मेंडेलियन कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। थैंक यू।